सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जेमसी के दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था पवित्र जीवन व्यतीत करने के बारे में और परमेश्वर के वचनों में हमने पढ़ा था पहला पत्रस अध्याय 15 में जहां लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और हमने पढ़ा था इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 में और सीखा था कि हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना क्यों जरूरी है। और उस वीडियो पर बहुत से लोगों के कमेंट आए थे और लोगों ने पूछा था कि कैसे हम कैसे पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम ये तो कहते हैं और सुनते हैं कि पवित्र जीवन व्यतीत करो और पवित्र बनो, पर हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे हम पवित्र बने और कैसे इस पाप के ऊपर फतह पाएं। तो पवित्र जीवन की शुरुआत और पाप के ऊपर फतह पाने की शुरुआत होती है विश्वास के साथ। विश्वास हमारे उद्धार का और पवित्र जीवन जीने का एक प्रमुख आधार है। वचन सिखाता है कि विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। धर्मी ठहराए जाने का मतलब होता है परमेश्वर के सामने सही या शुद्ध ठहराए जाना। और अगर हम परमेश्वर के सामने सही या शुद्ध ठहरे हैं तो ये हमारे कोई अच्छे या भले कामों के कारण नहीं वरन प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास करने के द्वारा। और ये विश्वास ही है जिसके वसीला से हम इस धरती के ऊपर रहते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं और वो है आदम और हवा की कहानी। वह दोनों अदन की वाटिका में हैं। शैतान उनके सामने परीक्षा लेकर आता है कि वह पाप करें। अब चुनाव फैसला उन्हें करना है कि वह परमेश्वर ने जो बातें कही है उसका विश्वास करके उसकी आज्ञा को मानेंगे और या फिर जो बातें अब शैतान कह रहा है उसका विश्वास करके उसकी आज्ञा को मानेंगे। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने पाप किया। उन्होंने पाप क्यों किया? क्योंकि अगर उन्हें परमेश्वर पर विश्वास होता, परमेश्वर की बातों पर भरोसा होता तो वह उसकी आज्ञा को भी मानते, पर उन्होंने शैतान पर भरोसा किया और इसीलिए उसकी बातों को माना और पाप में गिर गए। इसके विपरीत बाइबल में हम एक और उदाहरण देखते हैं और वो है इब्राहिम। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 8 में लिखा है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो पवित्र जीवन की शुरुआत ही विश्वास के साथ होती है। विश्वास ही से हम पाप के ऊपर फतह पा सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करना सिर्फ यही नहीं है कि हम उसके वादों को ही याद रखें वरन जो चेतावनियां उसने दी हैं उन्हें भी याद करें। आदम और हवा को चेतावनी दी गई थी कि अगर तुम इस फल से खाओगे तो तुम जरूर ही मर जाओगे, पर उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। और आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, वचन में लिखा है कि जो प्राणी पाप करे वह मरेगा और पाप की मजदूरी मौत है। पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8 में, यहां लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मौत है। अब बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के इन वचनों को, इन चेतावनियों पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, या आदम और हवा की तरह इन चेतावनियों को हम नजरअंदाज करके शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर उसका भय आना चाहिए। अगर आप परमेश्वर पर उसकी बातों पर विश्वास करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हमारे भले के लिए ही हमें वह सावधान करता है, हमें वह चेतावनियां देता है। एक अच्छे माँ बाप जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वह कभी भी अपने बच्चों को सड़क पर या रेल की पटरी पर खड़े होने नहीं देंगे। वह अपने बच्चों को सावधान करेंगे, उन्हें चेतावनियां देंगे और उन्हें धमकाएंगे भी कि इस रेल की पटरी के पास नहीं आना है। अब अगर वह बच्चा
अपने माँ बाप की बातों पर विश्वास करता है और मानता है कि जो बातें ये कह रहे हैं वह सत्य है और मेरे भले के लिए है, तो वह उनकी आज्ञाकारी करेगा, उनकी बातों को मानेगा और रेलवे ट्रैक के पास भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम भी अगर परमेश्वर की चेतावनियों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं और मानते हैं कि जो भी बातें परमेश्वर ने कही है वह सत्य है और मेरे भले के लिए है, तो हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे और पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि पाप की मजदूरी मौत है और पाप करने वालों का भाग आग की झील में होगा। परमेश्वर पर विश्वास करना कोई वन टाइम शॉट नहीं है कि आपने बस विश्वास कर लिया और अब पाप करने की कोई संभावना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रोज पाप करने का आपको अवसर मिलेगा। हर रोज आपके पास चॉइस है कि आप किसकी बातों पर विश्वास करते हैं, या तो आप शैतान पर भरोसा करेंगे या परमेश्वर पर। और आप अगर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, तो आप उसकी आज्ञाकारी करेंगे और पाप से दूर रहेंगे। जब कभी भी शैतान आपके सामने टेम्पटेशंस लेकर आता है, परीक्षा लेकर आता है, तो आपके पास एक चॉइस है कि या तो आप शैतान की बातों पर विश्वास करके आदम और हवा की तरह उस पाप में गिर जाओ, और या फिर परमेश्वर पर विश्वास करके यूसुफ की तरह वहां से भाग जाओ। अब हम पवित्र बाइबल में एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर संत पौलुस, एक महान प्रेरित जिसने आधे से भी ज्यादा नया नियम लिखा है, वह विनती कर रहा है, फरियाद कर रहा है कि हे भाइयों मेरी सुनो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, अपनी जान, अपना शरीर और अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों? अगर मैं किसी को कहूं कि अपनी जान को, अपने जीवन को बलिदान करके चढ़ा दो, तो वह जरूर मुझसे पूछेगा कि क्यों, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, क्यों ऐसा करूं मैं? तो संत पौलुस इसी वचन में वो कारण देता है, मोटिवेशन देता है कि क्यों। वह कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। तो जो कारण, जो मोटिवेशन यहां पर पौलुस दे रहा है, वो है परमेश्वर की दया, कि परमेश्वर की दया के कारण जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम पर की गई है, उसकी खातिर अपना जीवन उसे समर्पित करो, अपना जीवन पवित्र करो। अब आप शायद कहेंगे कि ये परमेश्वर की दया क्या है? तो अगर हम परमेश्वर की दया को जानना चाहते हैं, तो हम इस रोमियो की किताब के पिछले 11 अध्याय पढ़ें, तो हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर की दया क्या है। हमें पता चल जाएगा कि हम सब के सब पापी थे और परमेश्वर की सजा के लायक थे। हमें पता चल जाएगा कि हम पाप और मौत के गहरे गड्ढे में फंसे हुए थे और अपने आप को नहीं बचा सकते थे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुनाह परमेश्वर के सामने इतने घिनौने हैं और हम अपने पापों की वजह से इतने लज्जित हैं कि हम खुद भी परमेश्वर के सामने जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने प्यारे पवित्र इकलौते बेटे को भेजा, जिसने हमारी सजा, हमारी लहानत, हमारे पाप अपने ऊपर लिए और सलीब पर एक लहानती की, एक पापी की मौत मरा और हमारे उद्धार के लिए अपनी जान दे दी। अब पवित्र जीवन जीने के लिए, अपना जीवन प्रभु यीशु को देने के लिए, क्या आपको कोई और मोटिवेशन या कोई कारण चाहिए? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं सच कहता हूं कि आप खोए हुए हैं, आप विनाश के रास्ते पर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये कहूं या ये मोटिवेशन दूं कि अगर आप पवित्र जीवन व्यतीत करोगे तो परमेश्वर आपको नौकरी देगा, आपका वीजा लग जाएगा, आपको नई कार मिल जाएगी या बड़ा घर मिल जाएगा, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी, तो अगर ये मोटिवेशन आप चाहते हैं तो यू आर लॉस्ट। If Jesus is not enough to motivate you to live a holy life, you don't even know Jesus.
अगर प्रभु यीशु आपको पवित्र जीवन जीने के लिए मोटिवेट या प्रेरित करने के लिए काफी नहीं है, तो मैं सच कहता हूं कि आप प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। मैसेज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, ताकि और भी हमारे भाई बहन इस संदेश को सुन सकें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। आमीन।